दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम कहीं भी यदि घूमने के लिए जाते हैं या किसी भी काम के लिए जाते हैं दूसरी जगह पे, तो हमें सबसे पहले रुकना कहाँ है, ये सबसे बड़ी सोच। तो आज आपके लिए बहुत ही आसान और कम पैसे में हम कहाँ घूम सकते हैं वो ऑप्शन आपको लेके आया हूँ मैं। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पंचायती धर्मशाला, यहाँ पर मैं अभी हूँ और आप वीडियो देखें तो आपको पूरा इसका जानकारी मिलने वाला है। आइए शुरू। यहाँ पर यदि हम बात करें, ये ऊपर जाने का चीज़, यदि बात करें हम रुकने की, 50 रुपये से रूम शुरू हो जाता है। आपको 50 रुपये में आपका पर्सनल रूम यहाँ पर मिल जाता है। 50 से लेकर ये 500 तक और से ऊपर रूम है। 50 रुपये में आपको सिंगल रूम मिलता है और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट भी है नीचे। और उसके बाद 140, 200, 250, 450, 500 तक आपको रूम मिलते हैं। 450 में डबल बेड एसी के साथ आपको रूम मिल जाता है। तो हर तरह से जैसे आपकी जेब अलाउ करती है वैसे आप रुक सकते हैं। और ये मैं आपको नीचे का पूरा टूर इसका दे रहा हूँ, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए नीचे 6 नंबर, 5 नंबर, ये रूम है। यहाँ ये मंदिर है, ये बाहर का व्यू इस धर्मशाला का। और यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए रेलवे स्टेशन से शुरू करते हैं और यहाँ तक कैसे हम आते हैं वो उस पर बात करते हैं। ये इस गेट से हम जैसे ही बाहर आते हैं, यहाँ से अंदर जाना मना है। ये बाहर से, अंदर से बाहर आने का रास्ता है। जैसे हम बाहर आते हैं तो ये पूरा सामने का व्यू, ये बड़ा सा झंडा ही आपको देखने को मिलता है बिल्कुल सामने गेट पे। यदि इधर हम बात करें तो इधर ये मेट्रो है, मेट्रो का स्टेशन है। और यहाँ पर ये हिंदी में जयपुर जंक्शन लिखा हुआ है। यदि हम दूसरी तरफ बात करें वहाँ पर, तो वहाँ इंग्लिश में लिखा है जहाँ पर अंदर एंट्री होती है, वहाँ अंदर एंट्री का गेट है और ये निकासी का गेट है। यहाँ से हम बाहर निकलने के लिए, ये पैदल जाने वालों का रास्ता है यहाँ पर ये। और ये यहाँ पर गांधी जी का स्टेचू लगा हुआ है, यहाँ से हमें बाहर निकलना है। यहाँ से हम चल के आते हैं तो यदि हम राइट साइड में देखें तो यहाँ ये रिजर्वेशन की ऑफिस है बुकिंग के लिए। और ये पास में मेट्रो का ट्रैक दिखता है और ये बाहर जाने का रास्ता। जैसे ही हम इस गेट से बाहर आते हैं ये सामने का व्यू है, हमें आगे निकलना है इस साइड में, इस साइड में हमें आगे चलना है। ये सामने से चल के हम बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आपको ये चलता हुआ ट्रैफिक और साथ में इधर आप देखेंगे तो आपको रेस्टोरेंट मिल जाते हैं और ये पुलिस थाना है। आगे हम चलेंगे तो ये यहाँ पर शिव मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हमें अंदर जाना है। और ये अंदर आते ही अंदर का व्यू है। और ये हम धर्मशाला के बिल्कुल सामने पहुँच गए हैं, ये इसका मेन गेट है। और ये पूरा सामने से व्यू है इसका, इस गली से हम आए हैं चल के यहाँ पर। और ये अंदर आते ही अंदर का व्यू है, इधर रिसेप्शन है, ये यहाँ पर एंट्री हो जाती है। ये पूरा अंदर आते ही व्यू देखने, बहुत ही बड़ा है। आप देखिए 1, 2, 3, 4 मंजिल और
काफ़ी बड़ा, ये देखिए काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़ यहाँ पर, और ये यहाँ अंदर मंदिर है, और ये इधर पानी वगैरह की सुविधा है, ये यहाँ पानी का टैंक है, और ये यहाँ पर ऑफिस है रिसेप्शन के पास ही। और ये अभी मैं वापस रेलवे स्टेशन पे आ गया, तो ये स्टेशन के बाहर का व्यू है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।